بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में तो आपने कंप्लीट लेक्चर्स को अटेंड किया। अब हम अपने चैप्टर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि वेव्स की तरफ। ठीक है, यानी आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो वेव एंड वेव मोशन के हवाले से होगा। हम देखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, फिर वो मूव किस तरह से करती हैं, जनरेट किस तरह से की जाती हैं। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह अब हम अपनी बात आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात वेव्स की करते हैं, तो जैसा ही हम वेव का वर्ड सुनते हैं या बोलते हैं, तो हमारे जहन में फौरन समंदर की वेव्स आ जाती हैं। जैसे आपने अक्सर औकात समंदर की सतह के ऊपर, आप सरफेस के ऊपर आप कई वेव जो है वो देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये भी एक्सपीरियंस होगा कि अक्सर हम अगर पानी के अंदर कोई चीज़ फेंक दें, कोई पत्थर फेंक दें, तो उस पत्थर के फेंकने से भी उस वाटर सरफेस के ऊपर इस शक्ल में आपको वेव जो है वो दिखाई दे सकती है। तो ये हमारा एक कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है वेव्स के हवाले से, लहरों के हवाले से। इसी तरह याद रखें कि जो वेव्स हैं वो सिर्फ वाटर सरफेस के साथ बिलोंग नहीं करती, बल्कि वेव्स हीट की भी होती हैं, लाइट की भी वेव्स होती हैं, एयर वेव्स भी होती है। ठीक है, बहुत सारी वेव्स होती है। तो इंशाल्लाह आज के इस टॉपिक में हम वेव्स की हर एक फॉर्म्स को अलग अलग करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इस हवाले से मुकम्मल नॉलेज मिल जाए। जी तो बेटा, अब हम सबसे पहले वेव की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं कि जो वेव्स हैं इनको किस तरह से डिफाइन किया गया है फिजिक्स में। तो लेट्स सी कि इसकी वर्डिंग क्या यूज की गई है। देखें, लिखा हुआ है अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ठीक है, दरअसल वेव का ताल्लुक एक डिस्टरबेंस के साथ है। डिस्टरबेंस कहते हैं किसी खलल को या किसी खराबी को। जब आप किसी चीज की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में कोई चेंजिंग लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया अपनी जगह से। ठीक है, अ वेव इज अ डिस्टरबेंस इन द मीडियम। अब मीडियम क्या है? मीडियम का मतलब ये है कि अगर आप वाटर वेव्स की बात करने जा रहे हैं, तो जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास मीडियम कहलाएंगे, हम उसको मीडियम बोलेंगे। यानी कि मीडियम जो है ये उस चीज को कहा जाएगा कि जिसमें आप वेव्स को जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम to undergo vibratory motion about their mean positions in equal intervals of time. अब पूरी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ आ रही है कि जब कभी आप वेव को डिफाइन करेंगे या आप प्रैक्टिकली वेव को जनरेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे कि वाटर, हम अभी फिलहाल इसी तक कन्फाइन रहते हैं, वाटर को हम सपोज कर लेते हैं कि इट इज अ मीडियम। हमें उस मीडियम में डिस्टरबेंस जनरेट करनी है। ठीक है, तो डिस्टरबेंस जनरेट करने के लिए आप कोई भी मार्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि आप अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर वाटर हो, तो आप उसके अंदर अगर कोई स्टोन फेंक दें या कोई और चीज फेंक दें, तो उसमें डिस्टर्बेंस जनरेट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे अकॉर्डिंग टू बुक अगर आप देखें, तो आपकी बुक में एक पेंसिल की एग्जांपल दी गई है कि अगर आप
एक वाटर टब ले ले, तो उसमें एक साइड पे अगर आप पेंसिल को पानी में डिप करते हैं वर्टिकली, तो यू भी क्या हो रहा है, डिस्टरबेंस जनरेट हो रही है। तो बेसिकली वेव्स को जनरेट करने के लिए डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करना जरूरी है, ये शर्त है। जब आप डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो उस जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि इधर वाटर की अगर बात हो रही है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने ही मेन पोजीशन के ऊपर नीचे आगे पीछे वो वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देते हैं इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का भी जो उनमें इंटरवल होगा वो बिल्कुल एक रेगुलर मैनर में होगा। तो जरा अब हम इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिस्टर्बेंस जनरेट कर दी गई है, ये वाटर के पार्टिकल्स बेटा आपको नजर आ रहे हैं। इसमें आप पार्टिकल्स, हर पार्टिकल को इंडिविजुअली अगर आप गौर से देखें तो वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, अप एंड डाउन वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वाइब्रेटरी मोशन से आप सरफेस पे अगर आप देखेंगे, ये सरफेस अगर आप चेक करें तो इसमें आपको ये वेव फॉर्म एक नजर आ रही है। तो इसका ये पता चला कि जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस होती है बेसिकली ये पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और भी यहाँ पे नोट करने वाली है, वो ये है कि जब कभी अगर आप एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देखेंगे तो देखें वेव तो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है हमें, जैसे हमें नजर आ रहा है कि ये वेव यहाँ से चलती हुई आगे की तरफ जा रही है, लेकिन अगर हम पार्टिकल को इंडिविजुअली देखेंगे तो पार्टिकल आगे नहीं जा रहे, वो आगे मूव नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपनी जगह पे ही अप एंड डाउन मोशन कर रहे होते हैं। जैसे आप इस येलो पार्टिकल को जो हाईलाइट किया हुआ देखें, इसको देख लें या बाकी किसी को देख लें, तो वो अपनी जगह से आगे नहीं चल रहे, बल्कि वो अपनी जगह पे ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। लेकिन जो वेव है वो अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको यूं महसूस होगा कि जैसे वो वेव आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक मजीद एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक कार्क या कोई भी चीज़ जो पानी में डिप ना कर सकती हो हमने उसको रखा हुआ है, तो आप देखें कि ये भी वेव तो आगे जा रही है, लेकिन इस वेव के साथ साथ ये जो आपके पास जो इस ब्लॉक की मोशन है या जो कार्क की मोशन है वो अप एंड डाउन ही हो रही है, ये अपनी जगह से आगे नहीं जा रहा। तो ये वेव मोशन का एक पैटर्न होता है जो कि हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वेव्स आगे मूवमेंट जब करती हैं तो डिस्टर्बेंस जो है वो आगे शिफ्ट हो रही होती है, लेकिन क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे ही मूव करते रहते हैं, ठीक है। जस्ट वो अपनी डिस्टर्बेंस को आगे शिफ्ट करने होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी वेव्स एंड वेव मोशन। इसी तरह अभी तक तो हमने बात की है सिर्फ वाटर वेव्स की, तो हम जरा एक और टाइप की बात भी कर लेते हैं, यहाँ पे वाटर वेव्स के अलावा भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप चेक करें, ये हमारे पास जी एक और एग्जांपल है कि अगर हमने किसी स्ट्रिंग को उसका एक एंड आपने किसी जगह पे टाई कर दिया, उसको बांध दिया, दूसरा एंड आप अपने हाथ पे रखें। अब आप देखें कि ये जो स्ट्रिंग है, इस वक्त स्ट्रिंग हमारे पास मीडियम है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास एज अ मीडियम ये यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। तो अब बात इस तरह है कि अगर आप अपने हाथ को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे, यानी कि आप इसमें डिस्टरबेंस जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा आप देखेंगे कि उस डिस्टरबेंस के जनरेट करने के बाद आपको स्ट्रिंग के अंदर एक वेव फॉर्म नजर आएगी, ये आपको एक वेव फॉर्म नजर आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें जो ये जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के, वो अपनी मेन पोजिशन मैंने आपको गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि इस तरह जो वेव फॉर्म होती है उसमें मेन पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन हम सेंटर में ड्रा कर लें तो वो मेन पोजीशन कहलाती है। तो अब हर जो पार्टिकल है, अगर आप यहाँ पे पार्टिकल्स इसके कुछ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखें जी, इसका एक पार्टिकल मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ये बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक पार्टिकल यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने चले निशानात यहाँ पे लगा दिए। तो जब आप देखेंगे कि ये वेव इस तरह से मूव कर रही होगी तो इसकी मोशन के दौरान ये जो पार्टिकल्स हैं ये अप एंड डाउन मूव करेंगे, कभी ये ऊपर की तरफ जाएगा कभी नीचे की तरफ जाएगा। इसी तरह ये पार्टिकल भी है, यानी पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं अप एंड डाउन, और जो वेव है वो आगे की तरफ मूव करती हुई नजर आ रही होती है।
तो बेटा ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो कि आपने गुज़िश्ता एग्जांपल में देखा। तो ये थी वेव्स एंड वेव मोशन। तो इसके साथ ही बेटा हम आज की वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।